दोस्तों कप्तान कप्तान की 100% गारंटी है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। दोस्तों आज आपको कप्तान कप्तान फंसा कर दिए जाएंगे। और पिछले मैच में दोस्तों यहां पे दिए गए हैं कप्तान कप्तान। ये दोस्तों मुकाबला है राजस्थान वर्सेज हैदराबाद का मुकाबला, और इस मुकाबले में दोस्तों आपको बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कप्तान कप्तान 100% फंसा करके दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं है तो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, क्या मेरे पिछले मैच में कप्तान कप्तान आए हैं कि नहीं है। दोस्तों ज्योतिष विद्या के द्वारा कप्तान कप्तान हर मैच में फंसा करके दिए जाते हैं। चलिए दिखाते हैं दोस्तों पिछला मैच जो हुआ है उस मुकाबले में कप्तान कप्तान दोस्तों क्या मेरे टीम से फंसे हैं या फिर नहीं फंसे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 182 पॉइंट के साथ ड्रीम टीम में कप्तान बने हुए हैं। और मैंने बोला था कि यहाँ पे शिवम दुबे फ्लॉप होने वाले हैं, और दोस्तों वहाँ पे शिवम दुबे आपको ड्रीम टीम में दिखाई भी नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हमेशा ड्रीम टीम से बाहर होते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पंजाब की टीम ने दोस्तों CSK को घर में हरा दिया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं राहुल चाहर 114 पॉइंट के साथ वाइस कैप्टन बने हुए हैं। रिली रोसो को मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अजिंक्य रहाणे बैक करेंगे दोस्तों। तो जबरदस्त तरीके से पिछले मुकाबले में दोस्तों आपको कप्तान कप्तान भी फंसा करके दिया गया। आप लोगों को दोस्तों मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा, और देख सकते हैं दोस्तों कप्तान अगर हाई सिलेक्शन परसेंटेज से फंसता है तो सभी लोगों की रैंक जो है वो सेम आ गई है। दोस्तों ज्यादातर लोगों की रैंक एक आ गई, देख सकते हैं 63 लाख रुपए, 5 लोगों की रैंक एक आई है। तो आप लोग भी दोस्तों अगर जीतना चाहते हैं ड्रीम इलेवन से पैसा, तो जब तक आप लोग कप्तान कप्तान नहीं फंसा पाएंगे आपका सपना दोस्तों यहां पे कप्तान करोड़ों का जो सपना है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। चलिए दोस्तों मैं अपनी टीम में दिखाना चाहूंगा क्या मेरे टीम में दोस्तों कप्तान कप्तान फंसते हैं या फिर नहीं फंसते, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और आज के मैच में हैदराबाद वर्सेस राजस्थान मुकाबले में दोस्तों आपको कप्तान कप्तान 100% फंसा करके दूंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए 699 पॉइंट से ड्रीम टीम में देख सकते हैं दोस्तों, और मेरे भी टीम में दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ 182 पॉइंट के साथ में आज फिर लगातार कप्तान कप्तान बने हुए देख सकते हैं। यहां पे रिली रोसो भी, जानी ब्रेस्टो भी है, अजिंक्य रहाणे भी है टीम में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 182 पॉइंट के साथ कप्तान बने हुए हैं। और दोस्तों आपको वाइस कैप्टन भी दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। मेरे टीम से दोस्तों वाइस कैप्टन भी फंसे हैं। अभी दोस्तों मैंने कप्तान का प्रूफ दिखाया, उसके बाद दोस्तों यहां पे बात करूंगा कि आखिरकार आप लोग कप्तान कप्तान फंसाने में क्या क्या गलतियां करती हैं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज दोस्तों यहां पे आप लोगों को हैदराबाद राजस्थान मुकाबले में आपको 100% विनिंग कराऊंगा, और 100% गारंटी है कप्तान कप्तान फंसाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जाइएगा कमेंट्स बॉक्स में, जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की नाम लिखिएगा साथ में दोस्तों, और अपना नाम भी लिखिएगा, आपके नाम की भी दोस्तों अर्जी लगेगी और आपका दोस्तों किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों आप लोग भी बागेश्वर बाबा को अगर मानते हो तो 100% आपकी विनिंग होनी तय है। और दोस्तों कप्तान कप्तान जिस प्रकार से मैं बताता हूँ बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हर बार दोस्तों यहाँ पे अर्जी लगाता हूँ, उसके बाद दोस्तों कप्तान कप्तान 100% फंसाता हूँ। और आपको पूरे YouTube पर इस प्रकार का कप्तान कप्तान का जो प्रेडिक्शन है आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने बड़े बड़े क्यों ना अपने आप को दोस्तों तानाशाह समझते हो और ड्रीम इलेवन का बाप समझते हो, उन लोग भी दोस्तों कप्तान कप्तान नहीं फंसा पाते जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे कप्तान कप्तान फंसाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से और हैदराबाद की तरफ से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में कप्तान कप्तान बन सकते हैं, और 100% इसी वीडियो से आपको कप्तान कप्तान यही खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मैं दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राजस्थान की तरफ से अगर बात की जाए कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पे दोस्तों जोश बटलर हैं और संजू सैमसन हैं, यशस्वी जायसवाल है दोस्तों आज कप्तान कप्तान बनने के हकदार हैं और अच्छी फॉर्म में आ सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे रियान पराग हैं, उसके बाद यजुवेंद्र चहल है और ट्रेंट बोल्ट हैं, ये सारे सभी खिलाड़ी हैं दोस्तों। जबरदस्त तरीके से अगर बात की जाए कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजस्थान के खिलाड़ी जो यहाँ पे कप्तान कप्तान बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, वो दोस्तों यहाँ पे इसी खिलाड़ियों में से बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे हेनरी क्लाइसन है हैदराबाद की तरफ से, और ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, एडम मार्कन है, पैट्स कमिंग है, ये सभी सारे खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में हैदराबाद की तरफ से कप्तान कप्तान बन सकते हैं। आखिरकार दोस्तों अगर बात की जाए जबरदस्त तरीके से आप लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला जिससे दोस्तों आप लोग कप्तान कप्तान बना सकते हैं। आखिरकार दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए कि यहां पे दोस्तों आप लोग कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए आपको ड्रीम इलेवन दोस्तों अगर आप लोग कप्तान कप्तान फंसाना चाहते हैं, अगर ये गलती करते हैं तो दोस्तों ये गलतियां करना छोड़ दीजिएगा, तभी आप लोग ड्रीम इलेवन दोस्तों विनिंग कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग कप्तान उपकप्तान नहीं फंसा पाते। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले खिलाड़ी को दोस्तों आप लोग ड्रीम इलेवन की टीम में ले लेते हैं जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों के कप्तान उपकप्तान नहीं फंस पाते। अगर आप लोग हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर देंगे तो दोस्तों आप लोग 100% कप्तान उपकप्तान फंसा सकते हैं। ये नहीं कहता कि दोस्तों आप लोग हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले खिलाड़ी ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं वाइस कैप्टन आपको रिस्की चुनना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग पिछले मैच में जो कप्तान उपकप्तान बन पाते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को कप्तान उपकप्तान ले लेते हैं, ये भी आपकी एक बहुत ही बड़ी गलती है। जो खिलाड़ी एक बार कप्तान उपकप्तान बन जाते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को आप लोग कप्तान उपकप्तान चुनते हैं, इस वजह से भी दोस्तों आप लोग ड्रीम इलेवन में कप्तान उपकप्तान नहीं फंसा पाते। तो आखिरकार दोस्तों ये गलतियां तो हम नहीं करेंगे, मान लेते हैं आपकी बात की ये गलतियां छोड़ देंगे, फिर भी दोस्तों कप्तान कप्तान फंसाने का कोई ऐसा सूत्र या फार्मूला या कोई ट्रिक या कोई कंसेप्ट है या कोई जादू है जिससे कप्तान कप्तान फंसाए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको मैं तीन फार्मूला बताऊंगा जो कि आप लोग 90% नहीं दोस्तों 99% कप्तान कप्तान इसी फार्मूले के आधार पर बनते हैं। वो फार्मूला क्या है कप्तान उपकप्तान चुनने का? दोस्तों यहाँ पे बल्लेबाज सेक्शन से आपको कप्तान उपकप्तान मिलते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से और गेंदबाज सेक्शन से, यही तीन कैटेगरी है जिससे आप लोग कप्तान उपकप्तान ड्रीम टीम में बनाते हैं। तो दोस्तों उस खिलाड़ी को आपको कप्तान उपकप्तान बनाना है बल्लेबाज सेक्शन से जो दोस्तों 70+ रन बना सकता है। आज के मैच में कौन 70+ रन बनाएगा उसके बारे में बात करूंगा। तो बल्लेबाज सेक्शन में दोस्तों जो 70 के नीचे रन बनाते हैं उस खिलाड़ी को आपको न तो वाइस कैप्टन बनाना है और ना ही कप्तान बनाना है। 70+ रन बनाने वाले खिलाड़ी को आप लोग कप्तान उपकप्तान चुन सकते हैं अपने टीम में। वही दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से किस खिलाड़ी को आप लोग कप्तान उपकप्तान चुन सकते हैं? जो ऑलराउंडर दोस्तों आपको गेंदबाजी कराता हुआ दिखाई दे और जो दोस्तों आपको बल्लेबाजी से भी रन बनाकर दे सकता है, मतलब कि एक दो विकेट लेने वाले ऑलराउंडर को आप लोग दोस्तों यहां पे गेंदबाज एक दो विकेट निकाल सकता हो या 30-40 रन मार दे, उस ऑलराउंडर को आप लोग कप्तान उपकप्तान आँख मूंद करके चुन सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि गेंदबाज सेक्शन से क्या वाइस कैप्टन ज़्यादा बनते हैं या फिर कप्तान? तो दोस्तों गेंदबाज सेक्शन से अगर दोस्तों बैलेंस पिच है और गेंदबाज को सपोर्ट मिल रहा है तो फास्ट बॉलर आपको दो तीन विकेट चार विकेट आराम से निकाल लेते हैं हर मैच में। तो दोस्तों वाइस कैप्टन अगर 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं और 4 विकेट लेने वाले को कप्तान बना सकते हैं, तो आंख मूंद करके आप लोग दोस्तों ये कारनामा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे राजस्थान वर्सेज हैदराबाद मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन रेट ड्रीम टीम में कितना है और कितने दोस्तों यहाँ पे कप्तान कप्तान के लिए क्या सिलेक्शन रेट है। दोस्तों पूरा डिटेल में डाटा जो है पूरा अपडेट वर्जन में दोस्तों आपको यहां पे बताया जाएगा और कोई भी दोस्तों यहां पे जबरदस्त तरीके से इसी वीडियो से आपको कप्तान कप्तान मिलेंगे। बस दोस्तों आप लोगों को वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के खिलाड़ी जो है दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ी, जोश बटलर की बात करें जो कि दोस्तों इस बार 200 मार चुके हैं जबरदस्त तरीके से, 88.10% इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है जोश बटलर का। और दोस्तों इनको जोश बटलर को ड्रीम टीम में कप्तान कितने परसेंट लोग बना रहे हैं? 12.18% लोग जोश बटलर को कप्तान बना रहे हैं, वहीं 14.23% लोग जोश बटलर को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के मैच में जोश बटलर की बारी है कि वो दोस्तों कप्तान कप्तान बनने की लिस्ट में नंबर 1 पर आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों संजू सैमसन की जिस प्रकार से फॉर्म है, दोस्तों संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में दोस्तों जगह मिल चुकी है, उसकी खुशी में आज राजस्थान के संजू सैमसन एक अलग इतिहास रचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप में जाना हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है, जो आज संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल का सपना वर्ल्ड कप में खेलने का पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोग चाहेंगे कि आईपीएल में जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी जाए उतना ही अच्छा रहेगा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। देख सकते हैं 94.40% सिलेक्शन रेट है और दोस्तों ड्रीम टीम है संजू सैमसन का, और 20.16% लोग कप्तान बना रहे हैं संजू सैमसन को, 17.59% लोग संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद अपने दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल 88.50% इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, 8.67% लोग कप्तान बना रहे हैं यशस्वी जायसवाल को, 10.86% लोग दोस्तों यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अब दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और जोश बटलर, ये तीन खिलाड़ी में आपको 100% दोस्तों एक खिलाड़ी 70+ रन बना के देगा, जो कि दोस्तों हो सकता है इनमें से एक आधा खिलाड़ी दोस्तों आपको शतक भी मार सकता है, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद अगर शुरुआत में बैटिंग करती है तो लंबा स्कोर करेगी और लंबा स्कोर करते हुए दोस्तों राजस्थान के ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज दोस्तों लंबी पारी खेलते हुए आज दिखाई दे सकते हैं। वही दोस्तों रियान पराग की बात की जाए
देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से रियान पराग की भी फॉर्म बहुत जबरदस्त शुरुआत में चल रही थी, मगर दोस्तों इतनी समय थोड़ी सी डाउन है। आज के मैच में वो दोस्तों इनकी फॉर्म फिर से वापस आनी तय है, ये बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है। 80.94% रियान पराग का सिलेक्शन डेट है ड्रीम टीम में, 3.73% लोग रियान पराग को कप्तान बना रहे, हालांकि ये ड्रीम टीम में एक दो बार कप्तान उपकप्तान बन चुके हैं। 5.88% लोग रियान पराग को वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। अपने यजुवेंद्र चहल दोस्तों शुरुआत में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और दोस्तों इनको आज हमने बैक किया है वाइस कैप्टन की लिस्ट में, देख सकते हैं 53.50% इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, 0.67% लोग कप्तान बना रहे, 1.32% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। आज दोस्तों राहुल चहर वाइस कैप्टन बन चुके हैं ड्रीम टीम में, उसी प्रकार से यजुवेंद्र चहल की फॉर्म भी खराब चल रही है और ये काफी मैचों दोस्तों स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि राहुल चहर दोस्तों काफी मैचों में विकेट नहीं पा रहे थे, फिर भी दोस्तों इस मैच में वाइस कैप्टन का दर्जा उनको प्राप्त हुआ बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। बागेश्वर बाबा कहना कि जो खिलाड़ी लगातार फ्लॉप चल रहा है वो खिलाड़ी को अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो 100% दोस्तों आपको ड्रीम टीम में कहीं ना कहीं आपकी रैंक बहुत अच्छी बनवा सकता है, और जो सिलेक्शन लगातार दोस्तों खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से वो खिलाड़ी फ्लॉप होने के उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, जो कि आपको पता है कि आज दोस्तों उसके साथ हुआ दोस्तों शिवम दुबे के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए, देख सकते हैं यहाँ पे 62.05% लोग ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट ट्रेंट बोल्ट का, 0.89% लोग इनको कप्तान बना रहे, 1.67% लोग वाइस कैप्टन बना रहे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनका कितना ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, आज के मैच में कौन से कप्तान कप्तान बनेंगे। अब दोस्तों बारी की हैदराबाद की तरफ से, ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में 100% कप्तान कप्तान बन सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हेनरी क्लाइसन की, हेनरी क्लाइसन देख सकते हैं इनका सिलेक्शन रेट दोस्तों, इनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा, ये दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में कमबैक करेंगे और एक अच्छी पारी अर्धशतक दोस्तों लगाते हुए आपको हेनरी क्लाइसन दिखाई दे सकते हैं। 87.58% दोस्तों इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है हेनरी क्लाइसन का, 4.42% लोग ड्रीम टीम में इनको कप्तान बना रहे हैं, 8.37% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आज हेनरी क्लाइसन एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। वही दोस्तों हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड की दोस्तों बात करते हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में हराने का नाम रोशन किया, तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दोस्तों देख सकते हैं वही बल्लेबाज ट्रेविस हेड 92.10% सिलेक्शन रेट है ड्रीम टीम में, 35.61% इनको कप्तान बनाया जा रहा है, 16.10% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आज दोस्तों ट्रेविस हेड कप्तान या वाइस कैप्टन अच्छी पारी खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका रीजन ये है, हाई सिलेक्शन परसेंटेज के साथ साथ पिछले दो मुकाबले में ड्रीम टीम से बाहर थे ट्रेविस हेड, तो आज दोस्तों कमबैक करना चाहेंगे और अपनी टीम को दोस्तों जितवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजस्थान ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। अब दोस्तों हैदराबाद चाहेगी कि राजस्थान को ये दूसरा मुकाबला हराया जाए, बट दोस्तों अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो जरूर लंबा स्कोर करेगी, अगर सेटिंग इनिंग में बैटिंग करती है तो हैदराबाद के चांसेज है कि वो हार सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं अपने यंग प्लेयर युवराज सिंह के चेला अभिषेक शर्मा की, 90.78% इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है और 8.12% इनको लोग कप्तान बना रहे हैं। जिस दोस्तों आईपीएल में सबसे तेज तर्रार बल्लेबाज अब की बार उभर के आए हैं वो है अभिषेक शर्मा। अब दोस्तों 12.53% इनका वाइस कैप्टन बना रहे हैं लोग ड्रीम टीम में। अब दोस्तों एडम मार्कन की बात करें, जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं हैदराबाद के, एडम मार्कन का 66.69% इनका ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, 1.16% लोग इनको कप्तान बना रहे हैं, 2.23% लोग एडम मार्कन को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से एडम मार्कन भी आज दोस्तों एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पैट कमिंग दोस्तों हैदराबाद के कप्तान है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 57.02% इनका सिलेक्शन डेट है ड्रीम टीम में, 0.48% लोग पैट कमिंग को क्या बना रहे हैं कप्तान बना रहे हैं, 1.12% लोग वाइस कैप्टन बना रहा है। उसके बाद दोस्तों टी नटराजन की बात करते हैं, 47.82% लोग इनको सिलेक्शन रेट ड्रीम टीम में टी नटराजन की, 0.51% लोग कप्तान बना रहे हैं, 1.32% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से दोनों टीम के खिलाड़ियों को आपने देख लिया, अब दोस्तों आप लोग एक बार और बागेश्वर बाबा के दर्शन कर लीजिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाके जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, जय दादाजी गुरु महाराज की और साथ में अपना नाम लिखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, 100% दोस्तों बागेश्वर बाबा आपको विनिंग कराएंगे। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हर मैच में कप्तान कप्तान फंसते हैं, तो आप लोग जरूर दोस्तों बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लीजिएगा और जाके कमेंट्स बॉक्स में नाम लिखिएगा, अपना भी नाम लिखिएगा। आज दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में कौन कप्तान बनेगा, कौन उप कप्तान बनेगा, चलिए उसके बारे में दोस्तों यहां पे हम आपको बता देते हैं।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से अगर बात की जाए कप्तान उपकप्तान दोस्तों हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कप्तान दोस्तों सेफ कप्तान बनाते हैं और दोस्तों एक रिस्की कप्तान उपकप्तान भी बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम सेफ भी लेकर चलेंगे और रिस्की कप्तान उपकप्तान भी बनाएंगे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% दोस्तों इसी वीडियो से आपको कप्तान उपकप्तान खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज के मैच में कप्तान जो बनाना चाहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सेफ कप्तान की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को दोस्तों यहाँ पे कप्तान बनाएंगे, यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाएंगे सेफ कप्तान, जो कि दोस्तों ये खिलाड़ी भी काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनके साथ में दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे खिलाड़ी कौन से होंगे दोस्तों ट्रेविस शेट को भी हम सेफ कप्तान लेकर चलेंगे। ट्रेविस शेट भी दोस्तों आज कप्तानी की पारी खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ये दोस्तों कप्तान हो गए। अब दोस्तों वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन में दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए वीसी में तो वाइस कैप्टन दोस्तों आज के मैच में 100% दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग किसको बना सकते हैं। दोस्तों वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हैं जायसवाल के साथ में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों आप लोग यहां पे बना सकते हैं वाइस कैप्टन रियान पराग को, दोस्तों वाइस कैप्टन बना सकते हैं रियान पराग को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और दोस्तों वाइस कैप्टन दोस्तों आप लोग बना सकते हैं किसको, यजवेंद्र चहल को। ये खिलाड़ी भी दोस्तों अभी 2-3 विकेट निकाल सकता है आज के मैच में और दोस्तों काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, तो यजवेंद्र चहल को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब दोस्तों रिस्की कप्तान कप्तान की बात करते हैं तो रिस्की दोस्तों आपके लिए जोश बटलर को आप लोग रिस्क ले सकते हैं, जोश बटलर को आप लोग दोस्तों यहां पे रिस्क ले सकते हैं कप्तान बनाते समय, जोश बटलर को आप लोग दोस्तों रिस्क ले सकते हैं कप्तान बनाते समय। उसके बाद दोस्तों आप लोग वाइस कैप्टन के लिए अगर बात दूसरा रिस्की कप्तान दोस्तों आप लोग कर सकते हैं अभिषेक शर्मा या हेनरी क्लाइसन को, आप लोग दोस्तों हेनरी क्लाइसन को दोस्तों आप लोग कप्तान बना सकते हैं रिस्की, जो कि आप लोग हैदराबाद के ये खिलाड़ी दोस्तों बैक कर सकता है। वही दोस्तों रिस्की वाइस कैप्टन की बात की जाए तो रिस्की वाइस कैप्टन में किसको बना सकते हैं, रिस्की वाइस कैप्टन में आप लोग दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे संजू सैमसन को एक बार फिर से आप लोग बैक करिएगा, ये खिलाड़ी भी दोस्तों काफी टाइम से लंबी पारी खेलते हुए आपको दिखाई दे रहा, तो रिस्की दोस्तों संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बनाएंगे। और उनके साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगर बात कर लें वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हैं दोस्तों आप लोग बना सकते हैं वाइस कैप्टन अगर बात की जाए तो दोस्तों आप लोग यहां पे टी नटराजन या फिर अभिषेक शर्मा को, टी नटराजन को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं, टी नटराजन को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं या फिर अभिषेक शर्मा को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये खिलाड़ी भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा योगदान दे सकते हैं, तो अभिषेक शर्मा भी आपके लिए बेस्ट खिलाड़ी हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए। तो दोस्तों आज के मैच में बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कप्तान उपकप्तान दोस्तों हमने बना दिया यहाँ पे हैदराबाद वर्सेज राजस्थान मुकाबले में, आप लोग देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों यही खिलाड़ी आपको कप्तान उपकप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से बताना चाहिए सेफ कप्तान जायसवाल या ट्रेविस शेट, 100% बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से यशस्वी जायसवाल ट्रेविस शेट को बनाइएगा, रियान पराग या यजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन बनाइएगा सेफ में, रिस्की कप्तान उपकप्तान जोश बटलर हेनरी क्लाइसन होंगे और वाइस कैप्टन दोस्तों यहां पे संजू संजन टी नटराजन या अभिषेक शर्मा को आप लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% आपकी विनिंग होगी। आप दोस्तों जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जो लोग हमारी टीम से खेलना चाहते हैं, जो लोग दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम के प्रूफ देखना चाहते हैं कप्तान उपकप्तान का दोस्तों, या फिर टेलीग्राम में हमारी टीम से खेलना चाहते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, वो लोग यूट्यूब पर आकर दोस्तों सर्च करते हैं ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट और हमारा ऑफिशियल चैनल यहां पे दोस्तों मेन चैनल आ जाएगा देख सकते हैं, जिसमें 45,000 सब्सक्राइबर हो गए बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, 50,000 बहुत ही जल्द होने वाले दोस्तों आप सबके आशीर्वाद से। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं मोर अबाउट दिस चैनल, इस एरो पर क्लिक करना आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम फर्स्ट दोस्तों यहां पे टेलीग्राम सेकेंड, दो टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बालाजी महाराज के आशीर्वाद से 100% आपको यहां पे प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, और दोस्तों यहां पे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय बालाजी महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, और साथ में अपना नाम लिखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते फिर आपको अगले वीडियो में और 100% कप्तान उपकप्तान इसी वीडियो से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे।